मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सभी कार्ड धारकों को 1 अप्रैल से राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं और राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज की व्यवस्था रखने के निर्देश भी जारी किया गया है। लेकिन राशन लेने वाले इन नियमों का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि वो मुफ्त में राशन का लाभ जरूर उठाते दिख रहे हैं, लेकिन इस बात का जरा भी उन्हें ख्याल नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से मेंटेन रखना है। तो राशन लेने को लेकर लोगों की भीड़ होड़ यहां पर मची हुई है, लेकिन मुफ्त के राशन का लाभ तो लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन आम जन इस होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से मेंटेन रखना है इसको कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। और सीतापुर में यही तस्वीर देखने को मिली थी और सीतापुर से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनका हम यहां पर रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, तो अमरजीत आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर लोगों को सहूलियत के लिए तो सरकार कदम उठा रही है, मुफ्त में राशन का लाभ भी गरीब लोग उठा रहे हैं, लेकिन इस दौरान जरा भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं। आसमा, देखिए जिस तरीके से सीतापुर जो पहली तस्वीर आई थी, कुछ राशन की दुकानों पे जरूर लोग जो है हौचपौच मचाए हुए हैं। हालांकि राशन की दुकानों पे, सभी दुकानों पे जिला प्रशासन ने जो है गोले बनवा दिए थे जो कि एक एक मीटर की दूरी पे हैं, और साथ ही सैनिटाइजर हैंड वॉश की सारी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जो लोग राशन लेने आ रहे हैं वो लाइन में खड़े हों। और आपके पीछे जो कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ क्या कुछ तस्वीर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं? क्या कुछ हालात अभी बने हुए, हम चाहेंगे एक बार आप कैमरा से हमें दिखाएं वहां के हालात। बिल्कुल आसमान, हमको दिखाते हैं कि ये आप हमारी तरफ देख सकते हैं कि लोग राशन लेने आए हैं, और ये बाकायदा यहाँ पे इस दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था जरूर देखने को मिली। जो रिंग बनाए गए थे उन रिंग पे ही लोग खड़े हुए हैं, और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए थी वो गैप यहाँ पे मेंटेन है। इसके अलावा हम यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे वो किस तरीके से यहाँ पे इनको सुविधाएं मिलेंगी और इस जो व्यवस्था है इसको कैसे ये लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है, इससे बहुत बढ़िया व्यवस्था है और यहाँ पे अच्छे तरीके से सबको मिल रहा है, गैप हो रहा है, आराम से आदमी ले रहा है। हम सबको बता भी रहे हैं कि भैया गैप बनाए रखिए, इस महामारी से बचिए। तो जो यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं वो भी कहीं न कहीं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो है इसको महामारी से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी व्यवस्था की गई। साथ ही आपको दिखाएंगे कि राशन कार्ड पे भी इस तरफ देखिए पानी की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनको पहले हैंड वॉश कराया जा रहा है, हैंड वॉश के बाद यहाँ पे मशीन के पास सैनिटाइजर भी रखा गया है, पहले उसको हाथ सैनिटाइज किया जाता है और सैनिटाइज के बाद फिर उसका इस मशीन पे थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे लोगों को राशन वितरित किया जा रहा। तो इस राशन की दुकान पे कहीं ना कहीं सारी जो व्यवस्थाएं थी वो योगी के मनसानुरूप ही की जा रही है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी खास व्यवस्था रखी गई है। बिल्कुल अमरजीत, यहाँ से तो बेहद पॉजिटिव जो नजारा है वो देखने को मिला है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए, लेकिन इससे पहले की जो तस्वीर हमने देखी थी वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल खड़ा कर रही थी, क्योंकि लोगों के लिए सरकार कदम तो उठाती नजर आ रही है, लेकिन कई जगहों पर सीतापुर में ये तस्वीर सामने आई कि राशन को लेने की होड़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते नजर नहीं आए। देखिए आसमा, जो राशन के जो दुकानदार हैं उनको साफ निर्देश प्रशासन की तरफ से दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हैंड सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था राशन की दुकान पे रहेगी और इसका सभी लोग पालन करेंगे, लेकिन जो राशन लेने वाले जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं कई जगहों पे देखा गया कि वो इसका कतई पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि राशन की हर कोट जो दुकान पे है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन समस्या जो एक आती है जागरूकता की, लाख कहने के बाद भी तमाम लोग इस पूरे नियम और कानून को दरकिनार करके अपनी मनमानी करते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल अमरजीत, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, वहां के हालातों के लिए।